हेलो फ्रेंड, मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑब्जर्व। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 32 एम्पियर डीपी स्विच। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 32 एम्पियर डीपी स्विच के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए स्विच में चार टर्मिनल है, 32 एम्पियर डीपी स्विच में चार टर्मिनल होते हैं। तो फ्रेंड, हम चारों टर्मिनल के बारे में पूरे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए, इसमें हम एक पहले प्लेट लगा लेते हैं, टू मॉडल का प्लेट। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास रोमा का टू मॉडल का प्लेट है और ये भी 32 एम्पियर डीपी जो है ये भी रोमा का ही है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हम इस तरह फिट कर लेंगे। फ्रेंड यहां पर लॉक होता है, जैसे हम इसके अंदर फिट करेंगे। फिट हो गया। अब फ्रेंड देखिए, यहां पर जो चार टर्मिनल होते हैं फ्रेंड, टर्मिनल वन, ये लाइन वन होता है और ये लाइन टू। फ्रेंड ये न्यूटन वन होता है और न्यूटन टू होता है। ये स्विच जो है बहुत अच्छा स्विच है, ये न्यूटन को कट करता है। फ्रेंड ये जो स्विच है 32 एम्पियर डीपी स्विच, ये न्यूटन को कट करता है। तो फ्रेंड ये स्विच कहाँ पर हम यूज करें और कैसे यूज करें, ये बहुत बेहतरीन होता है और बहुत अच्छा रहेगा। ये हम एसी और फ्रिज और कूलर और गीजर के लिए भी बहुत बेटर होता है ये स्विच यूज करने के लिए। तो फ्रेंड चलिए, इसमें हम कनेक्शन करके आप लोगों को बताते हैं फटाफट कि इसमें कनेक्शन कैसे होता है और कैसे हम यूज करते हैं इसको। फ्रेंड यहां पर हम दो वायर ले लेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। फ्रेंड हम यहां पर लाइन वन में रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलिए फ्रेंड, लाइन वन में हम रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। आप फ्रिज में भी इसी तरह और एसी में, कूलर में या गीजर में कनेक्शन सेम सेम इसी तरह होगा। आप फ्रेंड न्यूटन वन में हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड ये जो दो वायर है ये हो गया आउट, जो बाहर से आया हुआ है, इसमें हम मेन सप्लाई दे देंगे। अब फ्रेंड यहां से जो वायर निकलेगा वो एसी के लिए या फ्रिज के लिए या गीजर के लिए, उसके लिए होगा। उसके साथ में ये इंडिकेटर का दो वायर कनेक्ट हो जाएगा, एक न्यूटन में और एक फेस में हो जाएगा। फ्रेंड जैसे हम ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर जलने लगता है, ऑन हो जाता है और इससे पता चलता है कि हमारा एसी चालू है या फ्रिज चालू है। तो चलिए फ्रेंड, अब ये जो वायर है ये आउट का है, अब इन जो है इसे हम कनेक्ट कर दे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहां पर हम एक होल्डर ले लेते हैं और ये होल्डर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेड वायर के साथ में एक इंडिकेटर का वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसे हम देख लेंगे, ये अच्छी तरह टाइट हो गया। अब फ्रेंड देखिए, ब्लैक वायर की जगह पे हम ये येलो वायर कनेक्ट कर देंगे और इसके साथ में एक इंडिकेटर का वायर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड
फ्रेंड इसे हम अच्छे से टाइट कर देंगे। फ्रेंड ये जो है इन हो गया, जिसे हम बल्ब को ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए कनेक्शन तैयार हो गया, रेडी कर दिए कनेक्शन को, कनेक्शन पूरा हो गया। अब यहां पर हम होल्डर में एक बल्ब लगा देंगे। अब फ्रेंड चलिए इसको हम कनेक्शन इसमें कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड यहां पर चेक कर लेंगे, फेस को फेस में और न्यूटन को न्यूटन में कनेक्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड अब कनेक्शन ऑन हो गया है। अब इसे हम बल्ब को ऑन करके दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड इसे हम ऑन करते हैं। देखिए जैसे हमने ऑन किया बल्ब ऑन हो गया, और यहां पर देखिए इंडिकेटर भी साथ में ऑन हो गया है। तो फ्रेंड डीपी स्विच का कनेक्शन इसी तरह 32 एम्पियर डीपी स्विच का कनेक्शन इसी तरह किया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक एक लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ऐसे रोज रोज इलेक्ट्रीशियन नई नई वीडियो दे पाने के लिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक बार और बता दें, फ्रेंड जो है फेस वायर जब ये जो बोर्ड में निकला रहता है उसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो हाफ बोलते हैं यानी इन के लिए जाते हैं, जैसे पंखा हो गया, पंखे में तो यूज नहीं होते हैं लेकिन फ्रिज एसी और कूलर में इसको यूज कर सकते हैं। ये जल्दी जलता नहीं है, बहुत अच्छा स्विच होता है। फ्रेंड देखिए ऑन हो गया। अब ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस हम इतने बताने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।